भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। नए रंग रूप में भारत तक को देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे पाकिस्तान की चालबाजियों की। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए तालिबान से जब गुहार आई कि लोगों पर जान की बनाई है क्योंकि वहां भूख एक बड़ी चुनौती है, उससे निपटने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया अफगानिस्तान के लोगों को, क्योंकि लगातार भारत जो है वो सकारात्मक रूप से अफगानिस्तान के लिए खड़ा रहा है। ऐसे में जब अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए भारत आगे आया तो तालिबान ने कहा पाकिस्तान से कि भाई आप भारत को रास्ता दीजिए ताकि भारत जो है वो अन्न पहुंचा पाए अफगानिस्तान के लोगों तक। पाकिस्तान मान गया लेकिन उस आदत से वो बाज नहीं आया जिसमें उसका काम है अड़ंगा लगाना। और इस बार भी जब भारत अफगानिस्तान के लोगों को मदद पहुंचा रहा है तो उसमें भी पाकिस्तान अड़ंगा लगा रहा है। इस वीडियो में हम इसी अड़ंगे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि भारत पाकिस्तान के बीच अब ट्रकों की आवाजाही को लेकर नया विवाद शुरू हुआ है। पिछले हफ्ता पाकिस्तान ने भारत को वाघा बॉर्डर के रास्ते 50,000 मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान में पहुंचाने के लिए अनुमति दे दी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि अफगानिस्तान के बुरे हालातों और मानवीय संकट को देखते हुए यह असाधारण फैसला लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने हालांकि इसे लेकर एक प्रस्ताव भी अब रख दिया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक वाघा बॉर्डर पहुंचने के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित किए जा रहे पाकिस्तान के ट्रकों में ही गेहूं ले जाया जाए। ये ट्रक वाघा बॉर्डर पर गेहूं लादकर अफगानिस्तान लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के तहत भारत को शिपमेंट शुल्क अदा करना पड़ेगा। भारत को पहली शिपमेंट के 30 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान मानवीय संकट के दौर में भी पैसे कैसे कमा ले इसकी चिंता में डूबा हुआ है और इसलिए ऐसी स्थिति में भी वो अड़ंगे डाल रहा है। अब भारत का क्या रवैया है इसको लेकर? तो भारत का बड़ा साफ रवैया है। भारत पाकिस्तान की इन मनमानियों को मानने वाला नहीं है क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान भारत के पैसों से क्या करेगा। इसीलिए भारत जो है पाकिस्तान की इस प्रस्ताव को खारिज करने का मन बना चुका है। अब समझिए कि यह प्रक्रिया कितनी और डिले हो जाएगी, मदद पहुंचने में और डिले कैसे होगी, जरा यह भी समझिए। और यह पेचीदा क्यों है यह प्रस्ताव? तो 50,000 मैट्रिक टन गेहूं के लिए 1200 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। राजनयिक सूत्र कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। भारत ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि मानवीय सहायता के साथ किसी तरह की शर्त को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रस्ताव के विपरीत भारत ने सुझाव दिया है कि गेहूं को भारतीय या अफगानिस्तान के ट्रकों में ले जाया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखते हुए इसमें अड़ंगा लगा दिया और कहा कि भारत को खाद्यान्न या अन्य जरूरी सामान संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले पाकिस्तान के ट्रकों द्वारा भेजना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी साफ तौर पर कहा है कि मानवीय सहायता को लेकर भेजी जा रही शिपमेंट के लिए पाकिस्तान द्वारा कोई शर्त नहीं जोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि भारत का यह कहना था कि 50,000 मैट्रिक टन गेहूं जो है और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसकी डिलीवरी जो है वो अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर पहुंचाई जा रही है। तो कुल मिलाकर भारत का जो मिजाज है वो बड़ा साफ है कि भाई देखो ऐसा है कि मानवीय मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को और तालिबान भी गुहार लगा रहा है कि भाई मदद कर दो। अब इसमें जो पाकिस्तान का शर्त है इसे भारत मानने को राजी नहीं है, तो अफगानिस्तान के लोगों को कैसे मदद मिलेगी यह भी सोचना होगा। अब तालिबान का रवैया क्या होता है? कम से कम अब जो तालिबान जो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये तो बदला हुआ और बड़ा तालिबान तब माना जाएगा बदला हुआ जब वो पाकिस्तान की इन जो ये जो कुटिल चाले हैं उनको भी एक्सपोज करे और उन पर भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करे। अब इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स होंगे उससे भी भारत तक आपको लगातार अपडेट करवाता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत तक का नया रंग रूप आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार।